हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सरकारी अलर्ट में। तो यहाँ दोस्तों यूपीएससी की तरफ से असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप दोस्तों असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ और आईटीबीपी जैसे फोर्स में, तो आपके लिए दोस्तों 323 पोस्ट यूपीएससी द्वारा निकाला गया है, जिसके लिए एनी डिग्री वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों बता दें, इसका यूपीएससी द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जिसके लिए स्नातक पास किसी भी स्ट्रीम में है तो आप इसके ये एलिजिबल है। तो आइए हम देख लेते हैं क्या इसका एग्जाम का पैटर्न रहेगा और कहां से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसका लास्ट। तो जैसा कि दोस्तों ये देख सकते हैं यूपीएससी का ऑप्शन नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ पे दोस्तों 24 तारीख को जारी किया गया है। और दोस्तों आपको बता दें, इसका लास्ट डेट आपका 20/5/2019 है, इससे पहले आप इसको भर लें। और यहाँ बता दें, इसको ऑफिशियली ऑनलाइन साइट है इसका upsconline.nic.in, इस पर आप जाके इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये हम दोस्तों बात करें इसकी एग्जाम की, तो इस एग्जाम में आपके टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट आपको 323 है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सीआरपीएफ के सबसे ज़्यादा पोस्ट है, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट एक दोस्तों ऑफिसर होता है, फर्स्ट लेवल ऑफ ऑफिसर, ये अर्धसैनिक बल में होता है। यहाँ दोस्तों बात करें इसके एज लिमिट की, तो आपका एज यहाँ पे 20 साल से लेके 25 साल के बीच में होना चाहिए। इसका दोस्तों मैं आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ पे आप इसको देख के डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही दोस्तों भरिएगा। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही इसको भर सकते हैं। यहाँ दोस्तों फॉर्म फी की बात करें तो यहाँ दोस्तों फॉर्म फी आपको 200 रुपये लगेंगे। यहीं SC/ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फी में छूट दी गई है। यहीं दोस्तों हम बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, यानी कि पेपर वन यहाँ पे 250 मार्क्स का होगा, यहाँ पे पेपर टू भी होगा 200 मार्क्स का। उसके बाद दोस्तों इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, अगर उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू यहाँ का देख सकते हैं 150 मार्क्स है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो देख लीजिए, अगर आपको भरना है तो भर सकते हैं। बाकी इसका दोस्तों बता दें, ये बहुत ही अच्छा, अगर आप बनना चाहते हैं असिस्टेंट कमांडर किसी भी अर्धसैनिक बल में और बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ आपको मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, बने रहे हमारे चैनल ऐसे सरकारी अलर्ट पे और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए।